साथियों नमस्कार, आप देख रहे सन्नी क्रिएटर, मैं हूँ सन्नी यादव। अभी मैं हूँ राम भगवान की नगरी अयोध्या में, वही अयोध्या जो इस समय काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है जब से 22 जनवरी का मैटर आया। हालांकि बता दूँ कल यहाँ पे 30 दिसंबर को मोदी जी रेलवे स्टेशन यानी अयोध्या जंक्शन का उद्घाटन करने आ रहे हैं, को जो काफ़ी भव्य तरीके से बना है। हमारे साथ अभी पूरी कुछ युवागढ़ है, वही युवागढ़ जो कभी रोजगार को लेकर काफ़ी ज़्यादा उस रहते हैं, क्योंकि रोजगार बहुत ज़्यादा बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है हमारे देश में, हमारे उत्तर प्रदेश में। आइए थोड़ा सा बात करते हैं क्या माहौल है इस बार 2024 में, क्या बदलेंगे या फिर से रिटर्न मोदी जी आएंगे। तो सबसे पहले भैया आपका नाम क्या पड़ेगा? दुर्गेश कुमार जी। भैया इस समय आप रेलवे स्टेशन पे हैं, वही रेलवे स्टेशन जिसका उद्घाटन मोदी जी कल करने वाले हैं। जी जी। तो क्या इस जो स्टेशन, अभी सबसे पहले स्टेशन कैसा लग रहा है आपको? स्टेशन बहुत अच्छा लग रहा है, स्टेशन का नाम भी बदल दिया गया है जी, अयोध्या जंक्शन से जो है अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया है। खुश हैं कि नहीं नाम बदल? बिल्कुल खुश है, बिल्कुल खुश, कोई दिक्कत नहीं। मोदी जी आ रहे हैं कल, मोदी जी के बारे में क्या कहना है? मोदी जी के बारे में क्या कहना है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, अच्छा होना भी चाहिए इस उद्घाटन के साथ साथ, और इन सारे कार्यक्रमों के साथ युवाओं को रोजगार भी देना चाहिए, रोजगार पर भी बात करना चाहिए। रोजगार तो आया, राजगी तो ये है कि मतलब मोदी जी जो है रोजगार के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, मन की बात करते हैं लेकिन मन की बात सुनते नहीं है, दिक्कत ये है। अभी नौकरी तो आई है सिपाही की बात? हाँ, सिपाही की आई है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, 5 सालों में 2018 के बाद 41,520 पोस्ट के बाद 5 साल बाद जो है आज 2023 में वैकेंसी है, 60,244 पोस्ट आए हैं, जिसमें युवाओं को छूट मतलब 18 से 22 जो है सामान्य वर्ग का था, उसके बाद फिर जो और जो क्राइटेरिया होता उसी के अनुसार था, फिर कुछ उसके द्वारा मतलब योगी सरकार के द्वारा घोषणा की गई है कि मतलब 5 साल उसमें जो है जो है। अच्छा क्या लगता है मोदी जी 2024 में फिर रिटर्न आएंगे? मोदी जी आएंगे या नहीं आएंगे इसकी भविष्यवाणी तो फिर भी आप लोग युवा गढ़ है क्यों, और अक्सर युवाओं में बहुत ज़्यादा आक्रोश रहता है कि रोजगार बेरोजगार बहुत ज़्यादा इस समय चल रहा है। देखिए भैया सीधी सीधी बात है, अगर रोजगार देंगे तो हम उनका समर्थन करते हैं, मैं विचारों के समर्थन में, हमको रोजगार चाहिए। क्या करते हैं भैया आप? हम पढ़ते हैं। पढ़ते हैं क्या, पढ़ाई में क्या? हम सुपर डेट की तैयारी कर रहे हैं। सुपर डेट जी। अच्छा ये बताइए अभी 5 साल में, पिछली बार 22 में उत्तर प्रदेश सरकार बनी फिर से भाजपा सरकार जी, कितनी नौकरियां निकाले आपके अनुसार? उत्तर प्रदेश सरकार बनी, नौकरियां क्या निकाली, जो है हमको लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार जब से सरकार बनी तब से यही बड़ी वैकेंसी में, छोटी मोटी 2,000-2,500 की बात नहीं कर रहे हैं, हमारे हिसाब से बड़ी वैकेंसी में एक उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी आई है। इससे पहले जो 69,000 शिक्षक भर्ती फंसी हुई थी उसके आरक्षण पीड़ित अभी भी लखनऊ में धरना दे रहे हैं, लेकिन मतलब सरकार को ये दिखता है कि हमको इसका उद्घाटन करना है, ये करना है, यहाँ जाना है, इसका निरीक्षण करना है, हर 3 दिन पे या 4 दिन पे योगी जी आ जाते हैं अयोध्या का निरीक्षण करने। मैं समझता हूँ कि योगी जी को या सरकार को वहाँ के युवाओं को भी इको गार्डन में जाके एक बार देखना चाहिए। अभी आपको पता होगा कि 100 नंबर की जो महिलाएं थी तो उन्होंने भी धरना दिया, उस पर भी सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया जी जी। तो मतलब मैं समझता हूँ कि मतलब युवाओं के लिए भी सरकार को कुछ ना कुछ कदम उठाने चाहिए। राम के प्रति इतना कह रहे हैं राम राज के नाते, ना राम राज तो राम राज तो आज से नहीं ना, राम राज तो त्रेता युग से है ना, ये तो अपने जानने और समझने का जो है वो है कि मतलब राम राज आज से है, अगर ये सरकार रहेगी तभी राम राज रहेगा, राम तो बहुत पहले से थे, ऐसा नहीं है। इस सरकार ने मतलब सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार राम मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छी बात है। भाजपा सरकार से खुश है कि नहीं ये बताइए? भाजपा सरकार से खुश भी हैं ना खुश भी हैं, खुश इसलिए हैं कि मतलब जो है थोड़ा सा मतलब इस धर्म के मामले में कार्य कर रहा है, ना खुश इसलिए कि रोजगार नहीं दे रहा है, रोजगार सरकार नहीं दे रही, रोजगार के बारे में बात नहीं करना चाहती सरकार। हर जगह राम कथा करवा रही है, भगवान के प्रति राम के प्रति आस्था फैला रही है, कह रहे हैं कि जो राम को लाए हम, बहुत लोग कह रहे हैं हम उनको लाएंगे, तो आप क्यों? सर राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये बातें मिथक हैं सर, राम को कौन लाने वाला है सर? बोल तो रहे भाजपा वाले, ना राम को कौन लाने वाला, राम तो त्रेता युग में आए थे, लेकिन बोल तो रहे हम राम को लाने वाले, राम को लाने वाला कोई भाजपा वाला कैसे हो सकता है भाई। अच्छा एक बात बताइए, जो अभी सिपाही की नौकरी निकाले हैं या वैकेंसी, कहीं 2024 को टारगेट में बना के नहीं निकाला गया? हाँ बिल्कुल, 2024 को टारगेट में बना के जो है निकाला गया, और स्वाभाविक है कि मतलब जब चुनाव आता है तो सरकारें जागती हैं, नींद से नींद उनका खुलता है कि भाई कुछ किया जाए, ठीक है, युवा जो युवा है दो मतलब एक यहाँ पर जितने भी लोग हैं, जितने भी युवा हैं, सब लोग एक नॉर्मल फैमिली से आते हैं, मतलब एक मिनिमम मतलब किसान परिवार से आते हैं, और एक किसान का क्या होता है, जैसे मैं ही किसान रहूँगा या मैं भी मिडिल क्लास से रहूँगा तो मैं सोचूंगा कि थोड़ा सा हमारा स्तर जो है
ठीक ठाक हो जाए, उस स्तर को ठीक करने का एकमात्र सहारा होता है नौकरी, क्योंकि बिजनेस के लिए हमारे पास पैसा नहीं होता। लोग कहते हैं पैसों से बिजनेस नहीं होता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि आपके पास पैसा रहेगा भैया तभी कुछ होने वाला है, नहीं रहेगा भैया तो नहीं होने वाला है। 2024 में ये नौकरियाँ जो निकाली है सिपाही की, क्या लोग युवाएं जो है युवागढ़ जो इस पर मतलब इसको भूल जाएंगे, तो बाकी जो पिछले साल का है कि इस पे इसको देख के थोड़ा सा 2024 में थोड़ा सा फुल हो जाए फिर भाजपा सरकार? नहीं, हमको लगता है कि मतलब जो युवा वर्ग है, जो जागरूक युवा है, वो अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए वोट करेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी को वोट करे, सपा को करे, कांग्रेस को वोट करे, भाजपा को वोट करे, वो अपने भविष्य को देखते हुए वोट करेगा। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आपने कुछ देर पहले कहा कि जो है रामकथा करवा रहे हैं या ये करवा रहे हैं, रामकथा से या कुछ धर्म से पेट नहीं भरने वाला है, पैसे बांट रहे हैं उसमें ना ना सर, धर्म से पेट नहीं भरने वाला है सर। आप कार्य करेंगे, आप कर्म करेंगे तभी पेट भरने वाला है। आप दिन भर पूजा करते रहिए, ठीक है, भगवान ने मतलब श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मतलब आप कर्म करेंगे तभी आपको फल प्राप्त होगा, कर्म नहीं करेंगे तो फल नहीं प्राप्त होगा। सवाल और आपसे, 60,000 कुछ नौकरियां निकाली हैं सिपाही की वैकेंसी के लिए, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या इतनी ज्यादा है, किसी एक जिले की जनसंख्या लाखों में है, क्या लगता है इसके जनसंख्या के आधार पे नौकरी निकाली या बेरोजगारी के आधार पे या थोड़ा सा लालच दे दिया इतना निकाल? ना ना, ना तो जनसंख्या के आधार पर निकाला गया, ना तो बेरोजगारी के आधार पर निकाला गया, अपने चुनाव के आधार पर निकाला गया। जी जी बिल्कुल, धन्यवाद आपका। क्या अंकल जी, क्या नाम है आपका? रवि कुमार सोनकर। क्या लगता है इस बार 2024 मोदी योगी? क्यों मोदी जी? जी अच्छा काम किए, बहुत अच्छा काम किया है। 9 साल में करण जो है ये अयोध्या स्टेशन ऐसा था ना कि एकदम गंदगी से भरा रहता था, एकदम जो यहाँ गंधाता था, कोई पूछता नहीं था, कुत्ता भी नहीं लूटता था यहाँ पे, जहाँ पे कुत्ता भी रहता था ना वहाँ पे सफाई करके रहता है, ठीक है। तो कलयुग तो आया हुआ है, और जो कहते हैं कि करण जो है राम कथा करवा रहे हैं, ये सब करवा रहे हैं, तो ये बताइए कि आज 76 साल हो गया है आज़ादी का, 76 साल में तो अभी तक तो किसी ने नहीं आवाज़ उठाया। जब राम मंदिर बनने का जब फैसला आया, जो कोर्ट से फैसला आया है ना, ये सरकार नहीं लाई थी, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट लाई थी, तो इसलिए तो हम लोग तो लड़ रहे थे इसके लिए, तो भाजपा सरकार नहीं लाई है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। जो भाजपा सरकार को कौन कह रहा है? देखिए इसके लिए तो हम लोग तो देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ ऑफ जस्टिस हो जाए CJI चीफ ऑफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, जब मतलब हमको लगता है, मतलब ये हमारा पर्सनल विचार है, जब मतलब चीफ जस्टिस की मतलब समाप्ति की ओर पहुंचते हैं, मतलब उनका कार्यकाल समाप्ति की ओर होता है, तो कुछ ना कुछ धमाका करते हैं, ठीक है, मतलब 25-30 दिन में, जैसे मतलब इंदिरा जी के समय में देख लीजिए या उसमें देख लीजिए, इंदिरा जी के समय 1969 में जो है पट्टा भी सीतारमैया केस था, केशवानंद भारती केस था, उस पर जो है 25, 26, 27, 28 डायरेक्ट मतलब उन्होंने मतलब जो है संविधान संशोधन किया इंदिरा जी ने, उसके पहले जो है जब सरकार थोड़ा कमज़ोर थी तो फिर मतलब सुप्रीम कोर्ट मजबूत था। मैं समझता हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट मजबूत रहेगा तो सरकार कहीं ना कहीं कमज़ोर होगी, और अगर सरकार मजबूत रहेगी, बहुमत की सरकार रहेगी, तो सुप्रीम कोर्ट वहाँ कहीं ना कहीं थोड़ा सा नरमी दिखाता है। तो जब CJI का कार्यकाल खत्म होने वाला होता है तो कुछ ऐसे वो फैसले सुनाता है, हाँ कुछ ऐसे फैसले सुनाता है, और मतलब उसी के अनुसार राम मंदिर का फैसला आया। जो भी हो, आस्था हो, धर्म हो, मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी धर्म को मानता हूँ, मैं भी राम को पूजता हूँ, उससे हमारा कोई द्वेष नहीं है, लेकिन वास्तविकता यह है कि जमीनी स्तर पर रोजगार भी होना चाहिए, केवल धर्म से पेट नहीं भरने वाला।